सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्बो मशीन। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हो गया था अपना? बेसिक्स हो गया था मेरे हिसाब से, है यस ना? एक चीज लास्ट सर, पॉइंट मैं आपसे थोड़ा पूछ लेता हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा। सपोज करो कि ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम, और यू कैन से कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि इस तरह का एक यहाँ पे टैंक है और पाइप लगा हुआ है, पाइप के लास्ट में नोजल है, ठीक है? पाइप के लास्ट में देयर इज अ नोजल, एंड थ्रू नोजल द फ्लूइड इज गोइंग टू बी इजेक्टेड। लेट्स से कि ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये ओपन है, हाँ, इसको क्लोज मत समझना, ये ओपन से ओपन है, ओपन टू एटमोसफेयर। सो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? वट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट? एटमॉस्फेरिक वेरी वन गुड, बार एटमॉस्फेरिक वन प्रेशर बार होगा। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है क्या? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं, नो सर, नहीं, लो अच्छा, नो सर, ये यहाँ पर जो नोजल से बाहर जो स्ट्रीम निकल रहा है, ये स्ट्रीम का प्रेशर कितना होगा? वह उतना ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना सर? ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू सेम होगा। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी नहीं, को? नो नो सर, नो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर बता नो सर, लूँ, अगर मैं यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा लूँ, लेट से कि ये अपना बेस है, ये अपना बेस है, और इस बेस से यहाँ तक का हाइट, इस पॉइंट का हाइट लेट से जेड है, सॉरी, का हाइट है वो जेड है। अच्छा, यहाँ पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? जीरो सर, जीरो। जीरो सर, जीरो, ओके। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगा क्या नोजल से बाहर निकलते वक्त? यस यस यस, यस सर, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी यस होगा, लेट्स से आई एम सेइंग दिस एज अ V2। ओके, ये V1 जो है वो आपका जीरो हो गया, V2 आपका। मैं एक बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, आप लोग मेरा हेल्प करना। क्या मैं बर्नौलीज इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ? P अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 मस्ट बी इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस रोजी V2 स्क्वायर अपॉन वी टू 2G स्क्वायर अपॉन 2G प्लस प्लस जेड वन Z2। जेड टू। कोई डाउट है क्या इसमें? नो नो ठीक सर, है, एनर्जी नो कंजर्वेशन सर, है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन से लगाए हैं, बर्नौलीज इक्वेशन वहीं से आया है, तो आपको बोल सकते हैं कि ओके सर, ये सही है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर P1 इज इक्वल्स टू P2 है, तो क्या मैं ये टर्म को हटा सकता हूँ क्या, ये दो टर्म? यस सर, यस ओके, सर, ये दो टर्म हटा दिए। अच्छा, V1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या मैं ये टर्म को हटा दूँ? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, ये टर्म हट गया। नाउ Z2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2? दिस इज Z1, जीरो जीरो, तो सर, क्या मैं ये टर्म को हटा दूं? जीरो, यस सर, यस। यस सर, सो आपको ये आ गया, V2 स्क्वायर इज समथिंग लाइक 2G Z1, सही है ये? यस सर, और यस वी सर, टू यस वन कैन से दैट वी टू इज सर, नथिंग बट रूट अंडर 2G Z। कोई वही सर, दिक्कत है यस यस सर, इस फॉर्मूले में? कोई नो सर, दिक्कत नहीं सर, है? यस, नो सर, नो नहीं सर। सर, नो अब सर, आप नो मुझे सर, बताओ वेदर दिस इज अ एक्चुअल फॉर वेलोसिटी और ये होगा थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी, जिसने बोला भाई थ्योरेटिकल, साहब थ्योरेटिकल वेलोसिटी, वो बताओ थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्यों होगा, एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? और जो बोल रहे हो एक्चुअल वेलोसिटी, वो बताएगा कि ये एक्चुअल वेलोसिटी क्यों होगा, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्यों नहीं होगा। एक एक करके जवाब देना, और एकदम गलत हो तो हो चलेगा, मुझे गलत जवाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो जवाब देना ही नहीं चाहते। अरे कोई कैलकुलेटर दिक्कत का नहीं है। डिस्चार्ज, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कैलकुलेटर करते हैं तो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, ये क्या आ गया कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डेंसिटी मीटर थोड़ी ना लगाए हैं, और ऑरिफिस मीटर थोड़ी ना लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं क्या? नहीं सर, नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहाँ से आ गया? सर, ये हम कैलकुलेशन से ला रहे, तो ये थ्योरेटिकल होगा कैलकुलेशन अगर से हम ला रहे? नहीं बेटा, ऐसा कैलकुलेशन आंसर नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। कैलकुलेशन से ला रहे ऐसा थोड़ी ना कि आप एक्चुअल
जो वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेशन से नहीं लाओगे, वो भी तो आप कैलकुलेशन से ही लाओगे ना। हाँ, इस फॉर्मूला सर इस में, फॉर्मूला में फ्रिक्शन नहीं दिया है। वेरी गुड, किसने जवाब दिया, कौन है ये? निर्भय इंडियन, निर्भय, वेरी गुड निर्भय। निर्भय। आपको पता होगा यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, सही है, मगर इस बर्नौलीज इक्वेशन में क्या फ्रिक्शन को काउंट किया गया है, जो लॉस होता है HF, जो लॉस होता है वो लॉस को कहाँ मैंने काउंट किया? सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ओके, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, बट दिस इक्वेशन इज फॉर द आइडियल केस। आइडियल केस अगर आपके पास है तो ये इक्वेशन वेरी गुड है सर। सर ये आइडियल केस का सिनेरियो तो आपने लिया नहीं है, इसलिए तो एक्चुअल लिया है सिनेरियो। द फ्लूड इज रियल फ्लूड, रियल फ्लूड में भी आपको एक्चुअल कंडीशन है, तो एक्चुअल कंडीशन में आपको, आपने यहाँ पर फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया। अगर फ्रिक्शन को काउंट नहीं किया है तो कैसे मान सकता हूँ कि ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी होगा यहाँ पर? तो ये होगा आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, नो बात सर। करते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। नाउ देयर इज अ टर्म नोन एज अ कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी, सीवी, ठीक है? क्या होता है कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी? कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इज अ एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ओके, सो वन कैन से राइट दिस इक्वेशन एज अ एक्चुअल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू सीवी इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एंड थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2GH बोलो या 2GZ बोलो। अब समझ में आया ये समझाने का क्या मोटिव था? ये आप लोग पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, ये आप लोग पढ़े हो, ये इक्वेशन आप लोग देखे हो। गया क्या लिख के? आगे बढ़े। यस दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ हिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ टर्बो मशीन। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लूड मैकेनिक्स। सो पहले देखते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। सो ये मैंने एक लिया है पूरा स्कैन करके। फ्लूड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट नोन एज अ टर्बो मशीन, टर्बो मशीन का ही दूसरा नाम कहते हैं। आपको दिख रहा है क्या कि मैं जूम करूं? अब दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा है सर। अब समझ में आया, दिख रहा है अब? ओके, दिख रहा है सर। ओके, द पहला पार्ट लिख लो। विजिबल है। अब आप लोग लिखना चालू कर दो। द फर्स्ट पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट नोन एज अ टर्बो मशीन, और इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं रोटा डायनेमिक्स मशीन। ओके, आइदर यू से इट एज अ टर्बो मशीन और अनदर नेम इज रोटा डायनेमिक्स मशीन। रोटा डायनेमिक्स मशीन मतलब ही समझ में आ गया कि इसमें तो रोटेशन होगा, रोटेशन होगा ही होगा, जिसमें रोटेशन होगा वहां पे हम लोग बोल सकते हैं उसको टर्बो मशीन, एक टाइप में अभी समझने के लिए। नाउ टर्बो मशीन इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। क्या क्या होगा? या तो एनर्जी, फ्लूड का एनर्जी ट्रांसफर होगा रोटर टू। दैट मीन्स अगर मान लो टर्बाइन का केस ले लेते हैं, तो टर्बाइन में क्या होता है? टर्बाइन में सर कुछ नहीं, एक इस तरह से ब्लेड लगा रहता है, आपको वाटर आता है, वाटर अपना एनर्जी इस पे ट्रांसफर करता है और एनर्जी यहाँ पर चेंज होता है, और यहाँ से रोटर ये घूमना चालू हो जाता है, ये रोटर आपको घूमना चालू हो जाता है, जिससे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाता है। दैट मीन्स वॉट एवर बी द फ्लूड एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इन टू मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज वॉट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज एनर्जी फ्रॉम फ्लूड टू रोटर। क्लियर हुआ? फिर से बोलू, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, फ्लूड जो आएगा, ये आपको हमेशा याद रखिए, ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। फ्लूड आया, इस रोटर पे टकराया और बाहर निकल गया। नाउ यहाँ पर जब इस पे टकराया तो वो अपना कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट किया होगा इसको घुमाने के लिए। अब वही एनर्जी अपन बाहर निकाल लेते हैं, इसका मतलब फ्लूड अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है इस पे, इसको घुमाने के लिए। ओके, समझ में आ यस रहा सर। है? ओके सर। दैट मीन्स जब भी यस सर। फ्लूड अपना एनर्जी इंप्लीमेंट करेगा, फ्लूड का एनर्जी कम होगा और किसी और सिस्टम में वो एनर्जी यूटिलाइज होगा, तो देखो हम लोग बोलेंगे एनर्जी फ्रॉम फ्लूड टू रोटर। ऑब्वियसली दिस इज अ रोटर। ओके, एग्जाम्पल के लिए टर्बाइन। नाउ सेकेंड इज एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूड। ऐसा भी तो हो सकता है, एग्जाम्पल फॉर घर में आपके पंप लगा हुआ है बिल्डिंग में पानी चढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, नीचे आपका पानी है
ये पानी को सम्प करता है और आपको इस पानी पे रोटेट करके ऊपर चढ़ाता है। यानी आप खुद एक एनर्जी दे रहे हो जो कि एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है फ्लूड को ऊपर चढ़ाने के लिए। डेट मीन्स फ्लूड का यहाँ पर अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन जब ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। डेट मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम रोटर टू फ्लूड। नाउ फ्लूड की एनर्जी, इस केस में फ्लूड की एनर्जी इंक्रीज होगी, जबकि इस केस में फ्लूड की एनर्जी, टर्बाइन वाले केस में फ्लूड की एनर्जी डिक्रीज होगी। समझ में आया? नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज एनर्जी ट्रांसमिटिंग मशीन। एग्जाम्पल ले लो एक पाइप। ये पाइप में ना तो एनर्जी लॉस होने वाली है ना एनर्जी गेन होने वाली है फ्लूड को, सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है। सो वन कैन से दैट द टर्बो मशीन इज डिवाइडेड इनटू एनर्जी ट्रांसमिटिंग मशीन, थ्री टाइप्स। ये तीनों टाइप समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ओके बात करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स के दूसरे टाइप का। दूसरा टाइप है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। फ्लूड मैकेनिक्स का टाइप देख रहे हैं हम लोग, नॉट अ टर्बो मशीन का टाइप देख रहे हैं। फ्लूड मैकेनिक्स का दूसरा टाइप हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में क्या हो जाएगा, फिर से आपको देखोगे तो आपको फ्लूड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, अगेन फ्लूड से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या फिर मैकेनिकल एनर्जी टू फ्लूड एनर्जी। ये दो केस आपको बनेगा, ये दो टाइप से फिर से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन को क्लासिफाई करेंगे। अब फ्लूड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट करना है तो वी हैव अ गियर मोटर, वी हैव अ पिस्टन मोटर, वेन मोटर, दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड, दीज आर द टाइप। सेकेंड इज जस्ट अ सेकंड, ओके। सेकेंड इज मैकेनिकल एनर्जी टू फ्लूड एनर्जी। लाइक एग्जाम्पल हो गया आपका पंप। पंप में आ सकते हैं रोटरी पंप। देन आफ्टर वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टाइप। आपको नेक्स्ट टाइप दिखा देता हूँ। रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसके टाइप्स देख लो, याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्लूड मैकेनिक्स का डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन टाइप में दे रहा हूँ, जिसको लिखना है लिख सकता है। क्लासिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे टर्बो मशीन में हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लूड, ये फ्लूड मैकेनिक्स का टाइप है। मिसेलेनियस मशीन। लाइक आपको ब्रेक डिवाइस मिल जाएगा, पंप डिवाइस मिल जाएगा। ब्रेक डिवाइस में एयर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर लिफ्ट, जेट पंप, हाइड्रोलिक रैम, दीज आर द मिसेलेनियस डिवाइस। ये आपको एक ओवरऑल हो गया आपका FM का, दैट मीन्स फ्लूड मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आइडिया मिला आपको? यस सर, यस सर, ओके यस सर। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टर्बो मशीन। टर्बो मशीन, टर्बो मशीन क्या होगा? टर्बो मशीन के होने का मतलब होता है कि जहां पर कंटिन्यूअस फ्लो हो। टर्बो मशीन बोलो या रोटर डायनेमिक्स मशीन बोलो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों के लिए एक सबसे पहले क्या होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए और कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे दूं, ओके, और यहां से बोल रहा हूं कि यहां से इनलेट हो रहा है, यहां से एग्जिट हो रहा है, तो क्या ये कंटिन्यूअस फ्लो होगा? यस सर, कैसे होगा बेटा यस सर। कंटिन्यूअस फ्लो? मान लो कि यहां से फ्लूड पार्टिकल आया, यहां से फ्लूड पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल्स आया, ये अंदर आएगा, अंदर आके यहाँ पे कुछ पहले फिल होगा, देन आफ्टर ये यहाँ पे क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद कंप्रेस करेगा, देन आफ्टर ये बाहर निकलेगा। अभी तक सिर्फ हम लोग इतने दूर के ही पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं, तब तक जब तक कि ये पूरा पार्टिकल बाहर नहीं निकल जाता है, बाहर में वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है बाकी के पार्टिकल्स का। बराबर बोल रहा हूं मैं? यस सर, हाँ सर, अगर यहाँ पे यस वेटिंग लिस्ट सर, लगा हुआ है, वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे तो कंटिन्यूअस हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो ब्रेक हो गया ना सिस्टम में। फ्लूड पार्टिकल कंटिन्यूअस ट्रांसफर मतलब होना चाहिए कि हर पार्टिकल फटाफट आते जाओ, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, मैं एक टर्बाइन बना रहा हूं। अब टर्बाइन में मैंने यहां से पास किया, नोजल के थ्रू स्प्रे किया। अब ये तो कंटिन्यूअस होते रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस घूम रहा है, इसको कहीं पे भी वेटिंग लग रहा है, कि कहीं पे भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप रुक जाओ, पहले मुझे बाकी लोगों को बाहर भेजने दो, फिर आपको लूंगा मैं। नहीं, ये एक तरफ से बाहर भी भेज रहा है
और दूसरी तरफ से ले भी रहा है अगर ये घूमेगा तो। समझ में आया कंटिन्यूस मतलब, कंटिन्यूस फ्लो मतलब? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्बो मशीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। ठीक है, ये कंटिन्यूस फ्लो। सो अ टर्बो मशीन इज अ मशीन इन विच देयर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन अ रोटर विथ अ वेन। अगर कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा इसका मतलब कंटिन्यूस फ्लो होगा, फ्लो शुड बी कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस फ्लो होगा तो आप लोग उसको बोल सकते हो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम एग्जांपल। तो कंट्रोल वॉल्यूम के एग्जांपल में ही कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो कंटिन्यूस फ्लो होने के बाद ही आपको टर्बो मशीन में कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, ड्यू टू डायनेमिक एक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायनेमिक एक्शन? आपने तीन तरह का फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? पहले आपने पढ़ा है फ्लूइड स्टैटिक, देन आप पढ़े हो फ्लूइड काइनेमेटिक, एंड देन आप लोग पढ़े हो फ्लूइड डायनेमिक। पढ़े हो ना? यस सर। ओके, जरा मेरे को जल्दी बता दो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों क्या क्या बताता है, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे कोई तो बताओ, गलत ही बताओ, मैं काम बोल रहा हूँ कि आप सही बताओ, गलत ही बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ। एनर्जी ट्रांसफर करता है। एक एक कोई एक बोलेगा। हाँ, फ्लूइड स्टैटिक में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है। फ्लूइड स्टैटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है कैसे बेटा? स्टेशनरी फ्लूइड। स्टेशनरी फ्लूइड का जब हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हो गया फ्लूइड स्टैटिक। अब फ्लूइड स्टैटिक में क्या क्या आ जाता है? फ्लूइड स्टैटिक में वेलोसिटी आएगा क्या? सब हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द फोर्स देखेंगे हम लोग, फोर्स भी देखेंगे, कौन सा फोर्स, बायंसी फोर्स वगैरह सब आप लोग फ्लूइड स्टैटिक्स में देखते हो। क्लियर है? यस सर। यस, जल्दी बता दो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या देखते हो, व्हाट इज द फ्लूइड काइनेमेटिक्स? फ्लूइड विद वेलोसिटी। फ्लूइड हैविंग अ वेलोसिटी। ओके, फ्लूइड मोशन में आ गया है ये, इस दोनों में आप फ्लूइड के मोशन में स्टडी करते हो, लेकिन कौन सा स्टडी करते हो, काइनेमेटिक में और कौन सा स्टडी करते हो डायनेमिक में? सर काइनेमेटिक में टेम्परेचर वेलोसिटी, डायनेमिक में फोर्सेस, डायनेमिक में फोर्सेस पढ़ते हैं। काइनेमेटिक में फोर्सेस नहीं पढ़ते हैं, डायनेमिक डायनेमिक डायनेमिक। यस यस, डायनेमिक्स में फोर्सेस पढ़ते हैं, मतलब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो फ्लो होने के वजह से इसमें इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक में, और जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट प्रॉपर्टी वी विल लर्न इन फ्लूइड डायनेमिक्स। दैट मींस किसकी वजह से हो रहा है, कोई ना कोई तो अप्लाइड फोर्स होगा, तो फोर्स का जब भी आप लोग पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे फ्लूइड डायनेमिक में, जबकि वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड वोर्टेक्स वगैरह सब आप लोग जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे फ्लूइड काइनेमेटिक में। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे पढ़ना है टर्बो मशीन में डायनेमिक एक्शन, दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्स। क्लियर हुआ? फोर्स किसकी वजह से, या तो वो चेंज इन प्रेशर हो सकता है या मोमेंटम हो सकते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को पढ़ना है। तो टर्बो मशीन समझ में आया, क्या है टर्बो मशीन? यस सर। लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। ओके, फैक्ट अबाउट टर्बो मशीन, चलो टर्बो मशीन के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। दिस इज यूजुअली विजुअलाइज्ड होना चाहिए, स्केच कैन बी ड्रॉन ऑब्वियसली, अगर आप टर्बाइन और अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसका स्केच बनाने आना चाहिए। कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कंटिन्यूस दैट मीन पहले तो कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। देन आफ्टर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी टू वेज, दो तरह से हो सकता है, या तो फ्लूइड से सिस्टम में जा सकता है एनर्जी, या एनर्जी सिस्टम से फ्लूइड में आ सकते हैं। तो दो तरीके का आपको हो सकता है, टू वेज हो सकता है। देन आफ्टर डायनेमिक एक्शन ऑब्वियसली फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा ही होगा। अच्छा,
यहाँ पर कोई भी फ्लूड जो है वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आपने टर्बाइन बनाया और टर्बाइन की इस ब्लेड पर आके कुछ फ्लूड पार्टिकल स्टॉप हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लूड का मोशन होते रहना चाहिए, नॉट कन्फाइंड इन सम लिमिटेड स्पेस। नेक्स्ट इज नेट रिजल्ट इन चेंज इन एनर्जी, एनर्जी जो होगा उसमें नेट रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंज होगा, डेट मीन मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लॉ से, अगर इधर का एनर्जी E1 है और इस साइड का एनर्जी E2 है तो देयर मस्ट बी E1 शुड नॉट बी इक्वल टू E2, ऐसा नहीं होना चाहिए, एनर्जी में चेंजेस मिलना चाहिए ताकि हम अपने को नेटवर्क आउटपुट मिल सके। क्लियर है, थोड़ा देर आप लोग को ये चलेगा, अभी थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलो, यस सर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, टर्बो मशीन और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन के बीच में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्बो मशीन एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। द फर्स्ट डिफरेंस इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो ये क्या कहता है, एनर्जी ट्रांसफर इज बाय डायनेमिक एक्शन एंड इज कंटीन्यूअस। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको एक फिगर बना के भी बताया था कि टर्बो मशीन में आपको कंटीन्यूअस एनर्जी मिलेगा, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका बाउंड्री मूव करता है। अगर आप देखोगे ये वाला डायग्राम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ना अगर ये पिस्टन, सब एग्जांपल फॉर ज़ूम करो कि ये पिस्टन है ना, अगर ये बाउंड्री मूव करेगा तो ये पूरा बाउंड्री ही आपका मूव हो रहा है ना, वॉल्यूम आपका कम होते जा रहा है। ओके सो इसलिए इसमें कहते हैं कि इसमें बाउंड्री मूव होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में। क्लियर है? यस। ओके सर। नेक्स्ट इज इसमें कम पार्ट होता है टर्बो मशीन में, आप देखोगे पार्ट्स आर फ्यू इन नंबर, द असेंबलीज आर सिंपल, रोटर आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ स्टार्टर, हैंस मशीन आर लेस कॉस्टली। जबकि यहाँ पर बात करो तो आपको IC इंजन में याद होगा कि कितना ज्यादा पार्ट होता था, यहाँ पे पार्ट बहुत ज्यादा होते हैं विथ हाई प्रिसीजन, सिलेंडर पिस्टन असेंबली हैंस मशीन इज कॉस्टली। आप लोग के लिए सिंपल टर्म जो आप लोग एग्जाम में लिखते हो कि क्या लिखते हो आप लोग डायरेक्टली, ये लेस कॉस्टली है और ये हाई कॉस्टली है। ठीक है, नेक्स्ट इज फीचर ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस में बोला जाए तो ये आपको वेल बैलेंस्ड मिलता है, क्योंकि आप में आप इसमें रोटर लगा होता है और यहाँ पर फिन्स, ये सॉरी ब्लेड्स लगे होते हैं, तो ब्लेड्स पे ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड होता है, जबकि ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं होता है। ये कम्प्लीटली बैलेंस होने की वजह से इसमें स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, टर्बो मशीन में आपको स्पीड ज्यादा मिलता है, जबकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन की बात करें तो यहाँ पर स्पीड कम मिलता है। अच्छा, इसमें हाई पावर पर यूनिट वेट होता है, ओके, और यहां पर लोअर पावर मिलता है पर यूनिट वेट। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी एंड एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। तो टर्बो मशीन में डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होने की वजह से, थोड़ा डाउट है सर। हाँ बोलो 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 सर। वो ये अपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिखा है ना, हाँ, तो शायद से उसमें सर वो ज्यादा स्पीड में वो होगा ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ सिंपली, एक बेरिंग है, ठीक है, बेरिंग के ऊपर आपने कुछ तो भी लगा दिया है, क्लियर, इस तरह से लगा दिया है, ओके ओके ओके। अच्छा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने हाथ रखा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पे, इसको आपने पुश किया, फोर्स दिया, सेम फोर्स एक धक्का दिया, ये धक्का दिया तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पे सपोज करो कि स्प्रिंग लगा हुआ है, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ, ये स्प्रिंग पर गया, स्प्रिंग को प्रेस किया, फिर से वापस आया और आपके पास हाथ पे टकराया, थोड़ा देर वापस ऐसे जिग जैक किया, स्टॉप हुआ। क्लियर? यस सर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो एज्यूम हो गया ना? हाँ सर। हाँ ओके।
अब यहाँ बेयरिंग पे आपने फिर से जैसा जितना इधर दिया था धक्का उतना ही यहाँ पर दिया, अब यहाँ पर इसको जैसे ही धक्का दिया तो ये रोटरी मोशन ले लिया, ओके रोटरी मोशन ले लिया। अब जैसे ही ये रोटरी मोशन लेगा तो ये ज्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मारेगा, रिवोल्यूशन इसमें ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताओ किसमें ज्यादा होगा, सिंपली आपका से क्वेश्चन ये है कि इसमें रिवोल्यूशन ज्यादा होगा या इसका रिवोल्यूशन ज्यादा होगा। हेलो आवाज आ रही है सर? मैं वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ सर। हम आपका अगर वो वेन मोटर यूज करते हैं वो पानी के लिए पंप, तो उसका लाइक फ्लो कंटिन्यूस होता है पर उतना वेलोसिटी नहीं मिलता है। आप पानी और की हम जब कंप्रेसर टाइप वो यूज करते हैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, रोटर की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ओके सर, यस यस आई गॉट इट। ओके क्लियर हुआ? वो तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको बता ही रहा हूँ कि इसकी एडियाबेटिक इफिशियंसी कम होती है। एडियाबेटिक इफिशियंसी कम तो होती ही है, ये तो मैं ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे अपने को रोटर वाला ही सिस्टम यूज करना रहता तो आप घर के गाँव में अगर देखोगे कहीं हैंडपम्प लगा हुआ तो हैंडपम्प में देर इज अ रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम, वहाँ रोटरी सिस्टम नहीं है, वहाँ रोटरी सिस्टम हम बना सकते थे ना। तो आप जो बात कर रहे हो डेट इज द वेलोसिटी और द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है डिफ्यूजन प्रोसेस। हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ द एडिया और द हाइड्रोलिक इफिशियंसी और द एडियाबेटिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी को ही एडियाबेटिक इफिशियंसी कहते हैं, ये कम होता है। ये कम होने की वजह से, हाइड्रोलिक इफिशियंसी कम होने की वजह से जो अभी इसने कहा, क्या नाम है आपका, किसने बताया था मुझे अभी? निशांत सर। निशांत, निशांत सर, निशांत ने जो कहा कि वो ये इसके वजह से होता है कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी इसका कम होता है जिसकी वजह से आपको जो अमाउंट और द वेलोसिटी जो मिलेगा वो अमाउंट, बेसिकली आप अमाउंट में समझिए, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो जो मिलेगा वो इसमें रिलेटिवली कम मिलेगा। जबकि अगर डायरेक्ट कंप्रेशन और एक्सपांशन प्रोसेस होता है तो डिफ्यूजन जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में वो कम होता है, जिसकी वजह से ये मशीन ज्यादा इफिशियंट है। क्लियर हुआ? हाइड्रोलिक इफिशियंसी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी फिर से पढ़ने वाले हैं, फिर से पढ़ने वाले। हाँ कोई और डाउट पूछने वाला है कुछ, प्लीज पूछो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ना बोलते जाओ प्लीज। हाँ सर। ओके टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इफिशियंसी, नाउ मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ दिस सिस्टम इज हाई, मैकेनिकल इफिशियंसी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर बेयरिंग आप लगा देते हो, बेयरिंग लगाओगे तो वहाँ पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा। जब भी पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, जब पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा तो आपको लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली आपका मैकेनिकल इफिशियंसी इंक्रीज होगा। जबकि अगर आप देखोगे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में आपको स्लाइडिंग मोशन मिलेगा, स्लाइडिंग मोशन मतलब लाइन कांटेक्ट हुआ, लाइन कांटेक्ट होगा तो फिर आपको, यस कुछ बोल रहा है कोई? अगर आपका आवाज नहीं आ पा रहा है ना क्लियर, तो आप एक काम करो ना, चैट में लिख के मैसेज कर दो, कोई और पढ़ लेगा। प्लीज कोई एक दो चैट पे भी देखते रहना, अगर कुछ मैसेज आता है किसी का डाउट तो जिसका इंटरनेट स्पीड अच्छा है वो पूछ लिया करो वो डाउट। ओके सर। ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, लाइन मोशन होगा, लाइन, अगर लाइन मोशन, सॉरी क्या मैं बोल रहा था, बोल गया, हाँ लाइन मोशन होगा, लाइन मोशन होने की वजह से यहाँ पर लॉसेज ज्यादा होंगे, अगर लॉसेस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैकेनिकल इफिशियंसी कम होगा। क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। नाउ वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, ठीक है कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस जब भी फ्लो होगा तो ऑब्वियसली आप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंटिन्यूसली फ्लो में पास कर सकते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को फ्लो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको
एक बार में आपने आपके पास बाहर में कुछ ना कुछ फ्लूड वेटिंग में, तो अगर आप या इतना फ्लूड लिए ऑब्वियसली वेलोसिटी आप फ्लूड का बढ़ा लोगे, लेकिन कंटिन्यूस फ्लो नहीं है तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है आपका वो कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट अगर कम हो जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इन कंपैरिजन विद टर्बो मशीन, दैट मींस टर्बाइंस वगैरह से कंपैरिजन में इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होता है। टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इफिशियंसी, तो ओवरऑल इफिशियंसी तो आप भी समझ सकते हो, क्योंकि ठीक है हाइड्रोलिक इफिशियंसी टर्बो मशीन का कम है, लेकिन मैकेनिकल इफिशियंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ज्यादा है। तो तीनों का अगर कम एक साथ लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि ओवरऑल इफिशियंसी जो होगा वो टर्बो मशीन का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन। क्लियर है? यस सर। एग्जांपल से थोड़ा एग्जांपल से प्रैक्टिकल पार्ट भी समझ लेते हैं। यस सर। टर्बाइन की बात करें तो टर्बाइन का जो इफिशियंसी जाता है वो ऑलमोस्ट आपको 70% तक जाता है। ओके, जबकि आप अगर आईसी इंजन की बात कर लो या फिर अदर कोई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन की बात कर लो, तो ये 35-40% के बीच में रह जाता है। दैट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। सो ये प्रैक्टिकली देखा जा गया है कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है टर्बो मशीन का ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन, दिस इज नथिंग बट अ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन। टर्बो मशीन इज क्लासिफाइड ऑन द फोर बेसिस। फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन द मशीन, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। आइदर एनर्जी जो है वो फ्लूड से, ये फ्लूड है, आइदर एनर्जी फ्रॉम द फ्लूड टू द रोटर और एनर्जी फ्रॉम द रोटर टू फ्लूड। जब फ्लूड मतलब एनर्जी फ्रॉम फ्लूड टू रोटर होगा तो उसका दो पार्ट बन जाता है, या तो उसको हम लोग पावर मशीन बोलते हैं या टर्बाइन बोलते हैं। ठीक है, दीज आर इसका एग्जांपल देख लो, स्टीम टर्बाइन एंड वाटर टर्बाइन, जिसमें एनर्जी फ्रॉम फ्लूड टू वाटर ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूड। एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूड मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल हो गया कि हमने मशीन चलाया और जिसके वजह से एनर्जी जो है वो फ्लूड का इंक्रीज हो रहा है। एग्जांपल ले लो, फैन ले लो, कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रोटर टू फ्लूड। ओके, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप भी होगा क्या एग्जांपल? यस यस, किसने बोला यस? रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा क्या एग्जांपल? नहीं सर। यस होगा। अरे बेटा, वो टर्बो मशीन ही नहीं है ना, तो वो कैसे होगा? वो तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है, इसीलिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें ठीक है एनर्जी आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम मशीन टू फ्लूइड, ठीक है वो समझ में आ रहा है, लेकिन वहां एक तो रोटर नहीं है, पहला बात ये, और दूसरा बात कि वो तो टर्बो मशीन ही नहीं है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बो मशीन देख रहे हैं सिर्फ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, थोड़ा देर और। यस सर। हाँ बोलो। अरे बोलो। आगे बढ़ना है या फिर रुकना है? कोई कुछ बोल रहा है? आगे बढ़ना सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ना सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो इन द मशीन। अब देख लो, ये एक तो बात तो समझ में आ गया कि सर इसका ऐसा होगा, ये होगा आपका टर्बाइन। ठीक है, टर्बाइन में अब देख लो, ये हो गया आपको, मतलब सामने से मैंने टर्बाइन दिखाया। अगर आप ऐसे क्रॉस व्यू ऑफ द टर्बाइन देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। ये ज़ूम हुआ, ये व्यू, ये आपको सामने से मैंने दिखाया है और ये साइड व्यू दिखाया है। ज़ूम हो रहा है ना? यस सर। ओके, या तो फ्लूइड हो सकता है इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है ना, ये इसका एक्सिस है, यहाँ शाफ्ट लगा हुआ है, तो ये हो सकता है इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है क्या?
या फिर हो सकता है कि फ्लूइड जो है वो आपको इस डायरेक्शन में फ्लो हो, यस सर। या हो सकता है फ्लूइड आपको इस डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब इस ब्लेड पर गया और ब्लेड्स के टेंजेंशियली निकल गया, हो सकता है ये सर। तीन कंडीशन हो गया, ये हो गया एक्सिस के अलोंग, दिस इज योर एक्सिस, सो ये हो गया एक्सिस के अलोंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल फ्लो। ठीक है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को आसानी से समझ में आएगा, जो ट्वेल्थ वाले हो वो लोग ज्यादा फोकस करो, आप लोग ये चीज सब चीज नहीं पढ़े हो, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट पढ़ के आएंगे टर्बाइन वगैरह। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सियल फ्लो। नाउ अगर फ्लो आपको रेडियली होगा, यानी बाहर से अंदर के साइड आ रहा है, सेंटर के टुवर्ड्स होगा या सेंटर से बाहर जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियल फ्लो। नाउ अगर ऐसा होगा कि फ्लूड आया उस ब्लेड के सरफेस को टच करते हुए बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। ये तीन तरह का फ्लो होता है, इसके अलावा एक होता है मिक्स फ्लो। नाउ मिक्स फ्लो मतलब क्या होगा कि उसमें ये तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, रेडियल प्लस टेंजेंशियल हो सकता है, रेडियल प्लस एक्सियल हो सकता है, एक्सियल प्लस टेंजेंशियल हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं इस अगर प्लस एक्सियल, तो वो उसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्स फ्लो। देख लेते हैं, तो इसके बेसिस पर फ्लूड इज डायरेक्शन ऑफ फ्लूड के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है फोर पार्ट में, दैट इज रेडियल फ्लो मशीन, मिक्स फ्लो मशीन, एक्सियल फ्लो मशीन एंड टेंजेंशियल फ्लो मशीन। रेडियल फ्लो की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जांपल। मिक्स फ्लो में आ जाता है आपका फ्रांसिस टर्बाइन, देखेंगे हम बाद में जाके एक एक करके सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फ्रांसिस टर्बाइन। देन आफ्टर एक्सियल फ्लो इज द कैपलन टर्बाइन। काफी बार हम लोग ओरल में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कोई एक रेडियल फ्लो मशीन बताओ, टर्बो मशीन या मिक्स फ्लो मशीन बताओ, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाता है आपका। टेंजेंशियल फ्लो का हो जाता है पेल्टन टर्बाइन। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्लूड इन हैंडल। अब देखो फ्लूड मतलब बेसिकली फ्लूड जो है वो डिवाइड ही हुआ है दो पार्ट में, कौन कौन सा, एक तो आप बोल देते हो गैस, सॉरी एयर मत बोलो, गैस बोलो या फिर बोलो लिक्विड। ओके, नाउ लिक्विड में आ जाते हैं, वाटर इज एक्ट एज अ क्या बोलते हैं उसको, आइडियल फ्लूड, और गैस में एयर इज एक्ट एज आइडियल फ्लूड। ठीक है, ये आपका फ्लूड का क्लासिफिकेशन था, फ्लूड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज गैसियस फ्लूड हो सकता है और लिक्विड फ्लूड हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब फ्लूड के टाइप में होते हैं तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रो टर्बाइन, दैट मीन्स ये इसमें आप वाटर यूज करते हो, और दूसरा हो जाता है थर्मल टर्बो मशीन, दैट मीन्स इसमें आप गैस यूज करते हो, गैस मतलब एयर यूज करते हो, और इसमें आ जाता है कॉम्प्रेसर, यहाँ गैस भी यूज रखो, अगर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करोगे तो उसमें रेफ्रिजरेंट होता है। Now, type of dynamic action of the fluid, मतलब फोर्स के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, या तो वहां पे इम्पल्स मशीन। अच्छा, उस दिन आपने, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल्स टू क्या बताया था, रो ए वी इंटू वी वन माइनस वी टू, ऐसा कुछ बताया था ना लास्ट लेक्चर। यस सर, ये बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं कि वो किसी yes, हाँ किस कोई तो भी बता रहा था मुझे कि मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज नॉट मोमेंटम कंजर्वेशन, इट्स दिस इज इंपल्स मोमेंटम रूल है, दिस रूल इज नोन एज अ इंपल्स मोमेंटम रूल। ठीक है, अभी इंपल्स देखा तो याद आया, दिस इज समथिंग नोन एज अ इंपल्स, और चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स, सो ये आपको वो लॉ कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ डायनेमिक एक्शन में एक तो होगा इंपल्स मशीन, इंपल्स मशीन मतलब कौन सा मशीन जो कि ये रूल फॉलो करेगा, क्लियर है। रिएक्शन मशीन, रिएक्शन मशीन में हम लोग देखेंगे कि अलग तरह का आपको वहां पे लॉ तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको वहां पर आप देखोगे कि प्रेशर चेंज भी हो रहा है और वेलोसिटी से मोमेंटम चेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो जबकि इंपल्स मशीन में अगर आप देखोगे तो वहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो जहां पे भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वो वहां पे हो जाएगा इंपल्स मशीन, जहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी चेंज होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्शन मशीन। क्लियर है? यस सर। सो ऑन दैट बेसिस पेल्टन टर्बाइन और कैपलन टर्बाइन को ये किया गया है, दीज आर द एग्जांपल फॉर इंपल्स मशीन एंड रिएक्शन मशीन। नेक्स्ट इज
ओके अब आ जाते हैं हम लोग फिर से अपना स्टार्टिंग पॉइंट। पहला यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, मैंने आपको पढ़ा दिया जो अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा है दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। इसके अलावा आ जाते हैं हम लोग अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जो फर्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना है दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नाउ व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? इट सेज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्ट। अरे जो आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया था दैट इज नथिंग बट अ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम फिर से बताने की जरूरत है या फिर आगे बढ़े? सर बता दीजिए। लास्ट लेक्चर में मैंने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्लियर किया है आपको। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? डीवी बाय डीटी। ओके एक्सेलरेशन होता है आपका डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी को क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? एम अपॉन डीटी लिख देता हूँ और इनटू डीवी मतलब चेंजेस v1 माइनस v2 लिख देता हूँ। चलेगा? यस सर। अच्छा एम अपॉन डीटी दैट इज नथिंग बट अ मास फ्लो रेट। नाउ मास फ्लो रेट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। नाउ क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? दिस इज नथिंग बट अ रो ए वी वन स्क्वायर माइनस रो ए वी वन इनटू वी टू लिख सकता हूँ। यस सर। नाउ दिस इज नथिंग बट अ इनिशियल मोमेंटम। इसी को कहते हैं हम लोग इनिशियल मोमेंटम। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एम इंटू वी वन लिखा हुआ है, एम डॉट इंटू वी वन। तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज योर फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम? यस। क्योंकि मास फ्लो रेट है। नाउ मास फ्लो रेट है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? क्योंकि मोमेंटम तो आपका मास इनटू वेलोसिटी होगा ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होगा, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? यस सर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स एग्जर्ट, बोल सकता हूँ क्या? यस सर। सो दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस थ्योरम इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर हुआ? सर ये v1 स्क्वायर का फिर से बताओ ना। कौन सा? ये रो ए v1 स्क्वायर कैसे आया है वो फिर से बताओ ना। बेटा यहाँ पे रो ए वी है, ये समझ में आया है रो ए वी कहाँ से आया है? ये सर। अच्छा यहाँ पर v1 है तो ये v को मैं आप इनिशियल कंडीशन में v1 कंसीडर कर सकता हूँ। ओके तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? रो ए वी वन स्क्वायर बनेगा माइनस रो ए वी वन इनटू वी टू बनेगा। हाँ क्लियर सर। सो दिस इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज अ फोर्स एग्जर्ट। ओके यहाँ तक कोई डाउट है? नो ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया तो पूरा टर्बो मशीन है। अगर इसमें फिर से डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि f is always equals to rho a v1 into v1 minus v2। ये समझ में आना चाहिए, ये पार्ट जो है ये पार्ट आपको ध्यान में ही रहना चाहिए कि सर हाँ ऐसा होगा। मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी वन होता है, ये समझ में आना चाहिए। m dot is always equals to rho a v1। ये दोनों में किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं फिर से लेक्चर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े? yes. अच्छा अब बात करते हैं आपको यहाँ पे आ जाते हैं। फोर्स तो लगाओगे तो हवा में थोड़ी ना फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो पहला कंडीशन जो हम लोगों को पढ़ना है फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट। नाउ जेट क्या होता है सर, पहले वो समझा दो। जेट क्या होता है? इस तरह का एक स्ट्रीम होता है जिसके लास्ट में नोजल लगा होता है।
नोजल से ये स्ट्रीम पास होता है, ये स्ट्रीम जो पास होता है इसके डायमीटर को, जिस मशीन से ये आया या फिर जो बड़ी बड़ी पाइप है इसके डायमीटर को कैपिटल डी हम लोग हमेशा नोटेट करेंगे, और जो स्ट्रीम पास होगा इसके डायमीटर को हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी। अच्छे से फिगर बना देता हूँ मैं, पहले वो समझ लो। ओके फुल ऑफ फुल्ली वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा तो इस वाटर का किसी इसको हम लोग बोलते हैं जेट। नाउ द डायमीटर ऑफ जेट इज ऑलवेज वी डिनोट विद अ स्मॉल डी, और इस पाइप से जो आया इसका डायमीटर को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल डी। ये समझ में आया जेट क्या होता है? यस सर। ओके अब ये जेट जो है इसको कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। दैट मींस पहला केस जो अपने को पढ़ना है उस केस में क्या है कि ये जो है आपका ना फोर्स, ये जो जेट के ऊपर फोर्स लगेगा, जेट की वजह से इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग बोल देते हैं स्टेशनरी प्लेट। दिस प्लेट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब इसका कोई भी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसका कोई प्लेट का वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये जेट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये जेट अगर इस पे पास करोगे तो ये जेट कैसे जाएगा? ये वहां पे जाएगा और टकरा के कुछ नीचे आएगा कुछ ऊपर जाएगा, सही है? एज्यूम हुआ ये कंडीशन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन हम अपने को पढ़ना है जिसमें ये पार्ट पढ़ना है, क्लियर है? यस यस सर। ओके यस सर। सेकंड पार्ट क्या पढ़ना है अपने को? सेकंड पार्ट पढ़ना है व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट। अगर ये प्लेट जो है वो इंक्लाइंड पोजिशन में हो, यानी कुछ इस पोजिशन में, ये आपका सेकेंड पार्ट पढ़ना है। थर्ड पार्ट क्या करना है? प्लेट इज कर्व, ये प्लेट आपका ये स्ट्रेट प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है। नाउ वर्टिकल प्लेट नहीं हो, प्लेट कुछ ऐसा हो तो देखेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड क्या क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अपने को सिर्फ फोर्स निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन। पहला कंडीशन है वर्टिकल है, दूसरा कंडीशन है इंक्लाइन कर दिया, तीसरा कंडीशन है कर्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया कब? जब आपका इसमें वेलोसिटी जीरो है, यानी तीनों कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ प्लेट जीरो है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्हेन द वेलोसिटी, मतलब प्लेट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, या फिर जब इंक्लाइन करोगे इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, या कर्व प्लेट लोगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। इन दैट कंडीशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इतना अपने को निकालना है यूनिट नंबर वन में, इतना पे ही आपको न्यूमेरिकल आने वाला है, इतना ही पढ़ना है आपको यूनिट नंबर वन में, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो अभी मैं अभी से आगे मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, अब आप लोग सॉल्व करोगे पूरा सिनेरियो बनाओगे। चलो फर्स्ट केस नंबर वन, द फर्स्ट केस नंबर वन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट व्हेन द प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। बस इतना ही अपने को करना है, इसपे देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। Let's see. मेरा ड्राइंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करना।
ओके ये वाटर पार्टिकल से यहाँ से निकला नोजल से इस पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इट विल डिफ्यूज इन टू पार्ट, कुछ नीचे आएगा कुछ ऊपर आएगा, ये एज्यूम हुआ, ये आपका यहाँ पे फिक्स है। कोई डाउट है इसमें? ये एज्यूम हुआ no. सबको? देन लेट्स से द वाटर जो एग्जिट हो रहा है इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी वन है, ठीक है? कोई दिक्कत है? नो नो सर। ओके टेल मी व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर? जीरो 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 क्योंकि फ्लूइड स्टेशनरी है तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन। तो जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मतलब सर अपने को चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मोमेंटम के लिए पहले चाहिए मास फ्लो रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास फ्लो रेट? Rho AV. Rho AV. V1. V कौन सा? V1. 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 Very, very good. And what is its unit? Mass flow rate का unit जल्दी बताओ। Per second. हाँ? Meter per second. Kg per second. Kg per. Per second. Meter per second इसने बोला। ओके कमिंग टू द इन एक्स डायरेक्शन, चलो एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं। फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड का क्या फॉर्मूला है? फोर्स एग्जर्टेड का एक ही फॉर्मूला है सर, m डॉट इनटू v1 माइनस v2, सही बोल रहा हूं? यस यस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? आगे बता दो क्या लिखूं। रो v1 स्क्वायर, रो v1 स्क्वायर इनटू v1माइनस v2 लिख सकता हूं क्या? V2. Yes, okay. Yes. So, A, V1 का तो कुछ वैल्यू है मगर V2 का वैल्यू क्या है आपका? जीरो। जीरो। तो क्या मैं इसको रो ए वी वन स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, yes, so this is the formula for force exerted by plate on a stationary plate. कोई डाउट है? No, sir. No. आगे जाके प्रॉब्लम आएगा इसके ऊपर, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, आगे कुछ नहीं करना है। That's all for the... अच्छा, FY बता सकता है कोई? FY क्या होगा? What is the value of FY? Zero. What is velocity in y direction? Initial velocity in y direction? Zero. What is zero. Velocity in y direction? Zero. Zero. So what is the value of FY? Zero. Zero. Two square. Zero. डाउट है तो पूछते चलना, किसी को कोई डाउट लगे तो। आपने ही ये किया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। क्लियर हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट। ड्रॉ कर लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं। Now this is an inclined plate. We answer that sequence. No. ओके ये आपका स्प्रे हुआ इसके ऊपर, इसके बाद कुछ इधर चला जाएगा। कुछ नीचे आ जाए। ओके लेट्स से द एंगल बिटवीन दीज टू इज The angle of inclination of plate is nothing but a theta. Okay. अब मुझे बता दो इनिशियल वेलोसिटी कितना है?
इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, दिस इज योर एक्स वी वन, एक्स डायरेक्शन में वी वन है, कोई डाउट? अच्छा ये नॉर्मल टू द प्लेन मुझे बता दो, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? ये मैंने बनाया है नॉर्मल टू द प्लेन, थीटा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपने इस डायरेक्शन में लिया है, अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। वी वन साइन थीटा सर, इस डायरेक्शन में आपको निकालना है, आपका इस डायरेक्शन में आपने बोला है कि वी वन है सर, ये एंगल आपका क्या है, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा बोल देंगे, ये 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल शुड बी आल्सो थीटा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा ये v1 है, और इधर बता दो क्या होगा, y v1 sin थीटा 90 माइनस थीटा cos थीटा, yes v1 sin थीटा, पिछला लेक्चर किसने नहीं देखा है वो बता दो, पिछले लेक्चर में मैंने ये क्लियरली आपको समझाया था कि पूरा आपको द्रव्यमान इस पे ही चलने वाला है। एक बात बताओ मुझे कि सिंपल सा ले लेते हैं एक ट्रायंगल, अच्छा इस तरह का वेलोसिटी है, यहाँ एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या बताया था मैंने, जहाँ पर एंगल थीटा वहाँ पे कॉस लगा देंगे, तो क्या मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ इस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, लेट्स से दिस इज वी एन, नॉर्मल डायरेक्शन में मैं अगर बात करूं तो वी एन को लिख सकता हूं क्या, वी वन कॉस 90 माइनस थीटा, यस सर, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो फिर क्यों डाउट हो रहा है वी वन कॉस थीटा, वी वन कॉस थीटा, ये तो क्लियर है कि वी नॉर्मल वेलोसिटी हो जाएगा आपका वी वन साइन थीटा, क्लियर हुआ? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल प्लेन में, नॉर्मल प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी वी वन साइन थीटा होगा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल प्लेन, एकदम नॉर्मली टकराए हैं, जैसे इस केस में देखोगे तो आप नॉर्मल टकराया था है ना, 90 डिग्री से टकराया था, तो इस केस में भी आप 90 डिग्री से टकरा रहा है, तो जल्दी बता दो मुझे व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, जीरो जीरो, सो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, नाउ फिर से लगा लो व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स रो ए बी, रो ए वी वन इन ब्रैकेट वी वन साइन थीटा, वी वन साइन थीटा माइनस जीरो, माइनस जीरो, सो दैट इज इक्वल्स टू रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, कोई डाउट है तो बोलो, ये सर इस पूछते हैं ये को रिजॉल्व कैसे किए फिर से बताइए, कौन सा रिजॉल्व बेटा, सर ये जो वेलोसिटी को रिजॉल्व किए हैं आपने उस रिफरेंस से, उस यहाँ पर पूछ रहे हो क्या इस पॉइंट पे, तो कैसे किए, यही पॉइंट पर पूछ रहे हो ना, सर वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, फ्लूइड का डायरेक्शन सर, किसको रिजॉल्व किया, ओके ओके चल ये आपका फ्लूइड का ये क्या कहते हैं डायरेक्शन है, क्लियर, देन आफ्टर यहां पर कुछ तो भी एक प्लेट लगा हुआ है, अच्छा प्लेट लगा हुआ है लेकिन ये प्लेट इंक्लाइंड है विद एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है तो मैं इसको सर प्रेजेंटली दिख रहा नहीं है सर, सर हाँ हाँ दिख नहीं रहा है सर, प्रेजेंटली दिख नहीं रहा है, सब स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर,
दिख तो रहा है, प्रेजेंट स्क्रीन का तो है पंख है, दिख रहा है सर। अरे ते पिन कर, पिन सरांच्या नावावर पिन कर, सरांच्या नावावर का प्रेझेंटिंग वाले पिन करना, प्रेझेंटिंग चे तिथे पिन कर फक्त. हाँ दिख रहा है, नहीं ना वो तो चला हाँ तो दिखते. ओके तो मैं बोल रहा हूँ कि इधर का वेलोसिटी आपका v1 है, इधर से वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन मुझे निकालना है नॉर्मल टू द प्लेन यानी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. किसका डाउट था? यानी मुझे निकालना है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. नाउ दिस इज थीटा, सो वी वन कैन से दैट दिस इज 90 माइनस थीटा. सर ये ओरिजिनल वेलोसिटी कैसे इंक्लाइंड है? वो वेला पाइप तो सीधा हॉरिजॉन्टल लगा है सर, तो फिर ऊपर से वेलोसिटी कैसे आ रही? अच्छा ये वेलोसिटी ऊपर कैसे आ रही है? अच्छा हां सर, ये पाइप पाइप तो हमने हॉरिजॉन्टली लगाया है. देखो ना बेटा कैसे आ रही है, देखो ना बेटा यहां पर पाइप लगी हुई है, ठीक है पाइप यहां पर लगी हुई है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? छोड़ दो, भूल जाओ ऊपर वाले पार्ट को, इसको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं, भूल जाओ, ये फालतू चीज है, ये नहीं हो सकता है, समझ लो थोड़ी देर के लिए. ठीक ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर से पाइप लगा हुआ है ऐसे जा रहा है. अच्छा ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये हो सकता है. अच्छा यहाँ पर एंगल थीटा है, ये हो सकता है. हाँ ना बोलते चलो. अच्छा अब बता दो मुझे x डायरेक्शन में इसका किसी भी वेलोसिटी का अगर आप कोई और कंपोनेंट निकालना चाहते हो किसी और डायरेक्शन में तो वो निकाल सकते हैं. हाँ सर. तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो सकता है? हाँ सर. ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो सकता है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो सकता है. अच्छा जब दोनों कंपोनेंट हो सकता है, ex हो सकता है, vi हो सकता है, क्योंकि ये एंगल थीटा है लेकिन पाइप तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी आप बोल रहे हो कि हो सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? सर वहाँ पे वो पाइप के वजह से, पाइप आपने हॉरिजॉन्टल लगाया था लेकिन वेलोसिटी को ऊपर से दिखा रहे थे, इसके वजह से पाइप लगाया है. लो ना यहाँ पर भी मैंने पाइप लगाया, अब हो सकता है सर? लेकिन ऊपर वाले फिगर में आपने हाँ सर अभी हो सकता है. जब इधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है ना बेटा. और सर प्लेट को क्या किया? प्लेट इंक्लाइन है ना, यहाँ पर प्लेट इंक्लाइन है, नीचे वाले में प्लेट निकालो ना सर. अच्छा नीचे वाले में आप बोल रहे हो कि प्लेट निकालने के लिए? हाँ सर. ये लो आपका प्लेट हो गया नीचे वाले में, इसमें वर्टिकल हो गया प्लेट ना, तो इसको मेरे को आपको इस दोनों डायरेक्शन में करना है ना. अगर इसी एंगल को, अच्छा चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको वर्टिकल करके, अभी एक ही मिनट दो. लो हो गया प्लेट वर्टिकल. हाँ सर. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तो एंगल थीटा से उसको रोटेट किया है. तो समझने का बात यही है कि मैंने नॉर्मल निकालना है, मुझे नॉर्मल कंडीशन में निकालना है. डेट मींस अपने को एक्स वाई प्लेन समथिंग लाइक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है अपना, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स,
दिस इज वाई प्लेन टेंटेटिव क्लियर हुआ ये क्यों okay. किया मैंने इस प्लेन नॉर्मल सर क्यों निकाल रहे हो क्यों इतना टफ बना रहे हो तो नॉर्मल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में ही मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में या कोई और डायरेक्शन में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा सर और कोई डाउट प्लीज और कोई डाउट है तो पूछो नहीं सर चलिए तो चलो भाई एक बात तो आप लोगों ने ही बताया कि सर नॉर्मल फोर्स इस कंडीशन में रो ए वी वन स्क्वायर साइन थीटा होगा यहाँ तक कोई डाउट नो नो सर चलो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है वो एफ एन जो है वो आपने इस डायरेक्शन में लगाया है कोई डाउट है इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा एफ एन बराबर यस सर अच्छा अब जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज द एफ एक्स What is Fx? X direction में क्या फोर्स लग रहा है मेरे को वो इंटरेस्टेड है इस डायरेक्शन में Fn फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कॉस 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या तो क्या मैं इसको बोल दूं कि Fn cos 90 minus theta और इसको मैं बोल दूं कि क्या Fn sin theta और क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इसको rho a b1 square sin square theta लास्ट ईयर का देख लो क्वेश्चन पेपर यही पूछा है 8 मार्क्स के लिए टफ है क्या कुछ नहीं सर जल्दी बता दो एफ वाई क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई वाई डायरेक्शन में क्या होगा जीरो हाँ अगर इस डायरेक्शन में कॉस थीटा लगा रहे हो तो इस डायरेक्शन में साइन थीटा लगाओगे ना Fn sin सर ये cos हो जाएगा रो ए वी वन स्क्वायर cos स्क्वायर तो Fn sin थीटा sin 90 minus थीटा दैट इज नथिंग बट Fn cos थीटा होगा और इसको ही बोलेंगे अपन cos थीटा रो ए वी वन स्क्वायर sin थीटा into cos थीटा यस सर मेरे ख्याल से इसका डेरिवेशन पूरा हो गया अपने x डायरेक्शन y डायरेक्शन में सब जगह निकालना है हर एक केस में तो मैंने इस केस में भी निकाल दिया आपको x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कोई डाउट है लो सर हाँ बोलो हेलो सर हाँ हाँ fx और fy फिर से बताओ ना कंफ्यूजन हो सिंपल है ना बेटा इधर इधर fn लग रहा है ये बात तो क्लियर है आपको ये इधर fn लग रहा है नॉर्मल फोर्स यस सर ओके नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट होगा यस x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में यस सर तो जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर थीटा है लगा हुआ तो इसको आप बोलोगे fn cos थीटा fn cos थीटा लेकिन थीटा का वैल्यू आपको 90 माइनस थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा मैंने लिखा है यस कोई डाउट नहीं सर अच्छा cos 90 minus theta is equal to sin theta होगा so fn sin theta लिखा मैंने fn का वैल्यू आपने ही पहले निकाला है rho a v1 square sin theta मैंने वही वैल्यू यहां पे पुट कर दिया आंसर आया आपको rho a v1 square sin square theta ये क्लियर हुआ यस चलो यस सर y डायरेक्शन की बात करते हैं सर जिस जहां पर दो लाइन के बीच में थीटा लगा रहता है उसको कंपोनेंट को हम लोग cos थीटा करते हैं और उसके अपोजिट वाले को sin थीटा कर देते हैं तो यहाँ पर आपने fn cos 90 minus theta किया तो अपोजिट वाले को fn sin 90 minus theta कीजिए yes sir sin 90 minus theta is equals to cos theta होता है yes
अगर ये cos थीटा होगा तो fn cos थीटा, fn का वैल्यू आप लोगों ने ही निकाला है, rho a v1 स्क्वायर sin थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ rho a v1 स्क्वायर sin थीटा into cos थीटा, कंप्लीट। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट। टाइम बताते रहना, अच्छा टाइम कितना हुआ, नहीं तो मैं फ्लो में आगे ही निकल जाऊंगा। और जब भी आपको लगे बहुत हो गया तो आप रुक जाएंगे, तो फिर रुक जाएंगे अपन। बस सर रुक जा, 11:30 बजे। कितने लोग बोल रहे हैं रुक जाने के लिए? चलो कमेंट करो जल्दी, फटाफट कमेंट करो तो जल्दी। कितने रुक जाओ सागर, सागर कोई बात नहीं, आपको रुकना है तो रुक जाओ, बाकी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए, आप यूट्यूब पे देख लेना। सर इतना एक टाइप ले लो, ये लास्ट टाइप है, इसके बाद एक दो, उसके बाद न्यूमेरिकल है, बाकी कुछ नहीं, ये लास्ट टाइप है आपको आज के लेक्चर का। न्यूमेरिकल अगले लेक्चर लेंगे सर। ओके न्यूमेरिकल का एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही सकते हैं, एक न्यूमेरिकल में एक मिनट लगेगा, एक ही न्यूमेरिकल। हाँ चलेगा सर। सर फिर उसमें डाउट आ गया? डाउट आ गया तो जिसको डाउट होगा वो पूछेगा, जिसको डाउट नहीं है वो जाएगा एक्सिट कर लेगा। इसमें क्या है, मैं अभी आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। इसमें क्या है अटेंडेंस, अरे अटेंडेंस वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा आज? जस्ट अ सेकंड, ये अटेंडेंस का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा है? चैट में सब लोग लिख दो प्लीज, कुछ ना कुछ लिख दो चैट में, चैट में अपना रोल नंबर डाल दो, आप लोग को एक मिनट लगेगा। आज अटेंडेंस नहीं दिख रहा है मेरे को। हेलो सर। हाँ मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, कॉल आया था तो टच से बंद हो गई। पिन कर लो ना, मेरे मेरे नाम पे जाके पिन कर लो। किया मैंने सर लेकिन नहीं दिख रही। सर ठीक है मैं फिर से स्टॉप। अरे इधर से दूसरा नाम और सर, पहले किसी को मतलब पहले किसी को पिन कर, फिर से पिन कर सर को। अरे रेंज इशू असला ना तो होतं बरं बरं नेट। हो मला पण 2-5 मिनिट दिसत नव्हती ना तर दिसेल लागली, थांब दिसेल। सर पिन किया है तभी नहीं आया सर। हाँ कौन पंकज? पंकज भंडारे तो उत्तर चेंज करते हैं। स्टॉप करो काम ले। प्रेजेंट नको करो ना, तू प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट नको करूं? अरे प्रेजेंट नहीं केलेल ना मी। अरे तू प्रेजेंटिंग स्क्रीन येते नाव येते काय होतंय असं? पहिल्यांदा मोबाईल वापरतो रे। हा ना दिख रहा है क्या? अब मैंने फिर से किया, दिख रहा है? ओके चलो ये लास्ट पार्ट है, देख लेते हैं क्या है इसमें। कर्व पार्ट का कुछ तो भी है, कर्व पार्ट पे निकालना है फोर्स, मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग ही जल्दी फटाफट बता दो कैसे निकलेगा कर्व पार्ट पे। तो ये एक कर्व पार्ट है, इधर से लेट से रेड कलर में मैं आपको जेट दे देता हूँ। ये जेट आया, जेट आया कहाँ से आया? नोजल से आया। नोजल से आने के बाद ये कुछ ऐसे ऐसे होके निकल गए, कर्व पार्ट पे ऐसे होके निकला है, ऊपर से भी निकला। चलो इसका बात करते हैं, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है v1 और यहाँ पर कुछ इधर जाते हुए इसका फाइनल वेलोसिटी आएगा v2। सही है क्या ये डायग्राम? हाँ ओके जल्दी से बता दो। हाँ, आपका फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड क्या कहता है? What is the value of Fx?
इन एक्स डायरेक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन अपने को फोर्स निकालना है. लेट से दिस एंगल इज थीटा, और ये v2 क्या होगा, सॉरी ठीक है, इधर से आया v1 वेलोसिटी से इधर से. सो लेट से यहाँ पे वेलोसिटी, ये भी v1 ही होगा ना, इधर से आया v1, v1 गया है, ओके. एक्स डायरेक्शन में मुझे फोर्स निकालना है, बताओ क्या होगा. v1 sin थीटा, नहीं पहले तो मास फ्लो रेट होगा ना, रो ए m डॉट v1 माइनस v2. m डॉट को आप डायरेक्टली अपन यूज टू हो जाना चाहिए, आप अब यूज टू हो जाओ कि m डॉट को डायरेक्टली रो ए v1 बोलो, रो ए v1 इनटू v इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन v1 माइनस फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन v2. v2 नहीं, फाइनल वेलोसिटी इज v1 cos theta होगा या sin theta होगा इस डायरेक्शन में. sin theta cos theta इस डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है आपका. cos theta cos theta माइनस cos theta, सॉरी अच्छा यहाँ पे v1 cos theta होगा, फाइनल वेलोसिटी इज v1 cos theta, एग्री कर रहा हूँ मैं. माइनस साइन के साथ होगा या प्लस साइन के साथ. माइनस के साथ, क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस v1 cos थीटा, सही है. यस सर, यस तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रो ए, रो ए वी वन स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या. यस सर, कोई डाउट है सर. हाँ नो सर, पूछो पूछो. हेलो, नो डाउट सर, नो डाउट. ओके एफ वाई बता दो जल्दी से, एफ वाई बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वाई. वाई डायरेक्शन में कितना है यहाँ पर वेलोसिटी, जीरो है. रो ए वी वन तो ऐसे लिखेंगे. ओके y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो जीरो जीरो. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, sin थीटा प्लस v1 sin थीटा प्लस v1 sin थीटा. तो डायरेक्टली लिखूं क्या v1 sin थीटा. यस सर, यस. व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन कैन बी राइट इट एज अ रो ए माइनस रो v स्क्वायर sin स्क्वायर sin थीटा sin थीटा. Yes, tough है क्या? Yes, no sir. No. No sir. So that's all for today's session. चलो देखते हैं, हम numerical देख लेते हैं, एक numerical solve कर लेते हैं. क्या कह रहा है numerical, देखो क्या पढ़ा. Sir, पिछला पेज निकाल एक बार. हाँ दो ना. हाँ बस, no bye sir. हो गया sir. हो गया? Yes, चलो आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर, डायमीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में, मैं क्या लिखूं इसको. d is equal to कौन सा d, कैपिटल d या स्मॉल d. स्मॉल d, स्मॉल d, स्मॉल d, स्मॉल 75 mm लिखूं. Yes, sir. या फिर इसको कितना सही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0.075 मीटर, सही है ना. यस सर. अच्छा क्या हो रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर इतना होना स्टेशनरी प्लेट, व्हेन जेट स्ट्राइक द प्लेट नॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस, व्हाट इज दिस इज गिवन, v1 is 20 meter per second. Yes, sir. Formula याद मत रखना, क्योंकि formula कितना याद रखोगे, concept याद रखना है. किसका आवाज आ रहा है please उसको please mute कर लो. Condition कौन सा वाला है, कौन सा condition है ये. First condition is stationary plate, sir. Stationary plate. हाँ stationary plate. तीनों में stationary ही था.
स्टेशनर ब्लेड वर्टिकल वर्टिकल के लिए वर्टिकल के लिए सही है यस सर यस हां सर के लिए क्योंकि यहां पे नॉर्मली एक्ट हो रहा है बस हो गया हाँ नहीं सर साइंस स्क्वायर थीटा रो की वैल्यू पता है वाटर के लिए वाटर यूज हुआ है रो का वैल्यू पता है एरिया निकाल सकते हो एरिया एरिया ऑफ दिस जेट 0 मुझे तो नहीं लग रहा है अभी टफ आप लोग को लग रहा है बस इतना ही कॉन्सेप्ट में पूरे टर्बो मशीन में यूज करूंगा जितना पढ़ाया हूँ उतना ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा हर एक न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे अपन ठीक है सर जल्दी बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स सॉल्व किया क्या 88.35 क्या न्यूटन तो बोलोगे ना वेट हाँ न्यूटन पक्का न्यूटन यस सर फोर्स है ना न्यूटन ही आएगा चलो आंसर मेरे को मैच कर लेंगे द आंसर इज कितना आया आपका 88.85 न्यूटन पर सेकंड आएगा ना सर कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है नहीं न्यूटन आएगा सही है फोर्स इन न्यूटन आएगा लेकिन मैं तो ये बताओ वैल्यू गड़बड़ आ रहा है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया एरिया का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है 4.41 × 10⁻³ हां सही है मीटर स्क्वायर 1.76 × 10⁻³ हां ये क्या आया फोर्स का वैल्यू बताओ फिर से कितना बता रहे हो 1.76 × 10⁻³ न्यूटन यस सर दिस इज द करेक्ट आंसर यस आपका कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ होगा 1.76 × 10⁻³ सर सही है नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ठीक है ओके सर So, इसका इस कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाया हूँ मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लो पूरी तरह से एक बार देख लो अच्छे से आपको ये अगर समझ गए अच्छे से तो फिर आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा फिर से जब आप मूविंग बॉडी में जाएंगे तो वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी सर यूट्यूब पे कहाँ मिलेगा वीडियो सर यूट्यूब की लिंक भेजो ना ग्रुप पे ना कितनी बार भेजू भाई कितनी बार भेजू रुलाओगे क्या नहीं ना सर मिले नहीं ना अभी तक नहीं मिले सर हमको मिला है सर मारो भाई मारो कोई वापस भेज दो चलो ओके हां सर एक मिनट कोई जाना मत प्लीज मेरे को एक बार देख लेने दो अटेंडेंस आपका अटेंडेंस एक ही सेकंड देयर आर टोटल 60 पीपल चैट में सबने लिखा होगा मेरे ख्याल से चलो मैं एक बार में कॉपी कर लेता हूँ
एक सेकंड है। अरे फिर से क्यों लिखना चालू कर दियो? हो गया है ना आप लोगों का? ऐसे मत करो, मैं अब नहीं ले पाऊंगा अभी से लिख रहे हो। यश यश तक लिया है, इसके बाद नहीं लूंगा मैं। एक सेकंड, जाना मत अभी। हाँ मिल गया। रोल नंबर नहीं पता। सॉरी, रोल नंबर? रोल नंबर नहीं पता है तो नाम है ना, कुछ भी लिख दो, हाय हेलो कुछ भी कर दो मुझे। ठीक है सर। ओके तो मैं स्टॉप करूं क्या आज का लेक्चर यहीं पे? किसी एक स्टूडेंट को डाउट था कुछ तो भी थर्मोडायनेमिक्स में, कल मुझे मैसेज की थी कि कुछ तो भी डाउट है थर्मोडायनेमिक्स का। कोई नहीं है? नो no. क्या नाम था उसका? एक मिनट। अरे डाउट, उसने खुद मैसेज किया है कि थर्मोडायनेमिक्स का कुछ तो भी गेट के प्रॉब्लम का डाउट था। मेरा व्हाट्सएप नहीं खुल रहा है। ओके ठीक है। सो वीडियो लेक्चर ये मिल गया, यूट्यूब का लिंक मिल गया है आपको, उसको ही सब्सक्राइब कर लीजिए तो मेरे को बार बार देखना नहीं पड़ेगा। Yes, sir. और कुछ okay, डाउट है? कुछ अदर देन दिस सब्जेक्ट एनी डाउट प्लीज पूछो। नो डाउट सर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो यहीं पर लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके सर। ओके सर। Okay, thank you for joining this lecture. I hope you like this lecture. Thank you.